कोरोना वायरस शहर में बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार ने कोरोना संक्रमण बढ़े नहीं इसलिए पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की है और सभी को घर में रहने का आह्वान भी किया है। लोग लॉकडाउन के दौरान भी घर पर रह रहे हैं, इसके लिए शासन और सामाजिक संस्था द्वारा विविध उपक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही शहर के एक सामाजिक कार्यकर्ता शारिक पटेल ने अपने शायराना अंदाज से लोगों को घर में रहने का आह्वान किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक पटेल मस्जिद अनवरुल ताज कमेटी और पुलिस प्रशासन की जानिब से पहले तो ताजाबाद के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि जिनने 144 धारा का पालन करते हुए ये मनहूस बीमारी जिसको नाम कोरोना है उसको ताजाबाद में एंट्री नहीं करने दिया। यकीनन ताजाबाद के परिसर के लोग मुबारकबाद के लायक है, लेकिन जो लोग कुछ लोग जो जज्बात में आकर ये धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं उनसे मेरी नर्म निवेदन विनती है कि वो आज भी होश में आ जाए और अपने जज्बातों पर काबू करे, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि आपकी एक गलती नागपुर को बर्बाद कर सकती है। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने शहर का ख्याल रखें और अपने भारत का ख्याल रखें। ये हम सब की जिम्मेदारी है, भारत का पूरा ख्याल रखना, एकमेक का ख्याल रखना। और वैसे ही ताजाबाद का मैं एक नागरिक हूँ, वो नागरिक होते हुए मैं पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बहुत बहुत उनका सम्मान करता हूँ कि जो उनने अपनी हथेली पे जान रख कर हम लोगों के लिए जो दिन रात दिन का सुकून और रातों की चैन उड़ाते हुए अपना जो पूरा सहयोग दिया है और वो सहयोग आज कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। मैं यकीनन मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले वक्त में मैं ताजाबाद की जनता से नर्म निवेदन विनती करता हूँ कि वो ये जो माहौल है ये माहौल का ख्याल रखे और धारा 144 का उल्लंघन ना करे। बेवजह कब्रिस्तान को सजाने की जरूरत क्या है, बेवजह कब्रिस्तान को सजाने की जरूरत क्या है? और दिल को बहलाने के लिए और भी वजह है काफी, दिल को बहलाने के लिए और भी वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है?